नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हमारे अलीगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए, जो कि अलीगढ़ प्रत्याशी सतीश गौतम जी के लिए वोट मांगने आए थे और हाथरस के प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि जी के लिए वोट मांगने के लिए आए थे। तो दोस्तों नुमाइश ग्राउंड अलीगढ़ में बहुत ही विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ। अलीगढ़ हाथरस के भाजपा प्रत्याशियों के जीत की कामना करने के लिए यहां पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए और योगी जी मोदी को सुनने के लिए यहां बहुत से लोग इकट्ठा हुए। उसी को दिखाने की मैं आज आपको कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए इनका हेलीकॉप्टर उतरते हुए नहीं दिखा पाया, तो अब चलते हैं सीधा सभा की ओर। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी
अलीगढ़ से श्री सतीश गौतम जी, हाथरस लोकसभा सीट से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अनूप वाल्मीकि जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आप सबकी ओर से इस महत्वपूर्ण नगरी में मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ, 102 लोकसभा सीटों पर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का एक उत्साह उमंग जनता जनार्दन के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों को ध्यान में रख करके जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के 8 लोकसभा सीटों पर विपक्षी दलों की कोई खाता नहीं खुलने जा रहा है और दूसरे तीसरे चरण के लिए भी उसी बात का आह्वान करने के लिए आज एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अलीगढ़ और हाथरस की जनता जनार्दन को प्राप्त होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत और गरीब कल्याण की जिन योजनाओं को पिछले 10 वर्ष के अंदर इस देश ने मूर्त रूप लेते हुए देखा है, वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ है। इस सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर लोकसभा चुनाव 2024 हम सबको प्राप्त हुआ है। मेरी आप सबसे अपील है, अलीगढ़ और हाथरस की जनता जनार्दन को तो प्रधानमंत्री जी ने वह सब कुछ दिया जो यहां की जनता जनार्दन की दशकों से मांग थी। जो लोग कभी इस बात के लिए नहीं सोचते थे कि यहां पर भी इस प्रकार के कार्य हो पाएंगे, उन सभी लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए याद करिए महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे। अब विश्वविद्यालय बन करके तैयार होकर के सत्र भी प्रारंभ कर चुका है। डिफेंस कॉरिडोर इसी अलीगढ़ को प्राप्त हुआ है और बहनों और भाइयों, आपने अयोध्या देखी होगी, रामनवमी के अंदर भगवान राम का सूर्य तिलक 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करने और इस अद्भुत अलौकिक अवसर का आप सबको आनंद और गौरव प्रदान करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने इस बात से और वर्तमान में खड़े हैं और मैं इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा। बहनों और भाइयों, जिन सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने आपको विकास से वंचित रखा, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, आपकी सुरक्षा को सेंध लगाने का प्रयास किया, अब अवसर आ गया है चुनाव ना तो काम आए राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, काम आए दुख प्रप्ता नाम गाड़ी नामार्थनाथनम। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत माता की।
राधे राधे। इसी मैदान में मुझे कई बार अलीगढ़ के लोगों से मिलने का अवसर मिलाया है। पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था इजाजत है। हमारे लिए तो जनता जनार्दन ही भगवान है। आप इजाजत दें तो हम शुरू करेंगे। इजाजत है। राधे राधे। मैं पहले भी अलीगढ़ आया हूं। पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। बहनों को फिर एक बार प्रार्थना करने आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। और मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि अच्छे भविष्य की, विकसित भारत की चाबी भी आप ही के पास है। देश को गरीबी से पूरी तरह से मुक्त करने का समय आ गया है। अब देश को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त कराने का समय आ गया है। अब देश को परिवारवादी राजनीति से मुक्त कराने का समय आ गया है। और इसके लिए जरूरी है फिर एक बार साथियों, इस बार अलीगढ़ में 26 अप्रैल को और हाथरस में 7 मई को मतदान है। आपको अलीगढ़ से मेरे छोटे भाई भाई सतीश गौतम जी को और हाथरस से मेरे अनन्य साथी अनूप वाल्मीकि जी को भारी मतों से जिताना। और इसके लिए
मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और आप भले यहां वोट हमारे सतीश जी को देंगे होंगे या अनूप जी को देते होंगे, लेकिन ये पक्का मानिए, जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना तो मोदी को सीधा आपका वोट मिल जाएगा। तो मैं ये वोट मोदी के लिए मांगने के लिए आया हूं। आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, भरपूर मिलेगा। अच्छा, हमें एक और बात भी याद रखनी होगी। एक तरफ फसल की कटाई का समय है, शादी ब्याह का भी समय है, और गर्मी तो पूछो मत है, सब कुछ है। लेकिन भाइयों बहनों, देश से तो बड़ा कुछ नहीं होता ना, देश से बड़ा कुछ होता है, होता है। देश का इतना बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, हमें सारे काम छोड़ करके वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सुबह सुबह वोट करना बहुत जरूरी है, करोगे? धूप निकलने से पहले वोट हो जाए, जलपान से पहले मतदान हो जाए, आपके एक एक वोट का बहुत महत्व है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, आपने देखा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आपके सामने आए, उन्होंने अपने वक्तव्य पेश किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी भाषण सुने। दोस्तों, मैं आपको इनके पूरे भाषण नहीं सुना पाया क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने आपको केवल मुख्य जो बातें इन्होंने कहा वही सुनाने की कोशिश किया है। दोस्तों, इसके बाद मोदी जी ने सभी को आशीर्वाद दिया, आज जैसा कि आप देख रहे हो सतीश गौतम जी को। तो दोस्तों, अलीगढ़ में बहुत ही विशाल जनसमूह के बीच में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना भाषण दिया, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपना भाषण दिया। जनता जनार्दन से अपील किया कि वोट मांगने के लिए आए थे और उन्होंने वोट मांगा, अपील किया कि आप सतीश गौतम को अलीगढ़ से और हाथरस से अनूप प्रधान जी को वोट करें और पहले मतदान बाद में जलपान करें। ये भी मूल मंत्र देकर के अलीगढ़ वासियों को, हाथरस वासियों को देकर के गए कि आपका मतदान बहुत जरूरी है। तो जैसा कि दोस्तों आपने अभी मोदी जी को और योगी जी को सुना, ये जो वक्तव्य थे अलीगढ़ नुमाइश ग्राउंड से थे। तो दोस्तों, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना।